जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए सुरक्षा बल मुस्तैदी से काम कर रहे हैं, साथ ही आतंकियों के हर नापाक मंसूबों को फेल कर रहे हैं। इसी कड़ी में सुरक्षा बलों के जवानों ने 2 आतंकी ठिकानों का भंडाफोड़ किया। कश्मीर के बांदीपुरा जिले के सोपोर इलाके में 2 आतंकी ठिकानों को नष्ट किया गया है। इन दोनों आतंकी ठिकानों से भारी मात्रा में हथियार व गोला बारूद बरामद किया गया। ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मीरवाइज मौलवी उमर फारूक को उनके घर में नजरबंद कर दिया गया। बता दें कि मीरवाइज उमर फारूक को जामा मस्जिद में नमाज से पहले फिर नजरबंद कर दिया गया है। अंजुमन औकाफ जामा मस्जिद ने बयान जारी कर कहा कि जामा मस्जिद में मीरवाइज को शबे मेराज के अवसर पर उपदेश देना था, लेकिन उससे पहले ही उन्हें नजरबंद कर दिया गया है। उनका उपदेश सुनने के लिए मस्जिद में बड़ी संख्या में लोग आने थे। अधिकारियों ने नगीन में फारूक के घर के बाहर वाहन तैनात कर दिए थे। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भीषण सड़क हादसा हो गया। पाडर इलाके में सवारियों से भरी एक सुमो खाई में गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 15 दिन का बच्चा भी शामिल है। हादसे में 13 लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि 7 की क्षमता वाले वाहन में 15 सवारियां बिठाई गई थी। शाम के वक्त गुलाबगढ़ से हक्कू जा रही सुमो चालक का नियंत्रण खोने से पलाली इलाके में गहरी खाई में जा गिरी। हादसे की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों व पुलिस ने बचाव शुरू किया। घायलों को खाई से निकालकर नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें से कुछ को जिला अस्पताल किश्तवाड़ रेफर किया गया है। कश्मीर इन दिनों बर्फ की चादर से ढका हुआ है। इसी बीच कश्मीर की 2 बच्चियां का वीडियो तेजी से इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा है। दोनों जुड़वा बहने बर्फ का लुत्फ तो उठा ही रही है, साथ ही नटखट भरे अंदाज में बर्फबारी में रिपोर्टिंग भी कर रखी है। दोनों बहनें बर्फबारी का वर्णन कर रखी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कश्मीर आने और उनके साथ बर्फ में खेलने की दावत भी दे रखी है। वहीं महिंद्रा ग्रुप के अध्यक्ष उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने भी ज़ेबा और ज़ेनब के वीडियो को अपने एक्स हैंडल पर साझा किया है और उनकी प्रशंसा की है। सांबा जिले की प्रसिद्ध मानसर झील में लगातार मछलियां मर रही है, जो इलाके के स्थानीय लोगों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। लोगों ने बताया कि ये पिछले 4 दिनों से लगातार चल रहा है। अब तक 2000 से ज्यादा मछलियां मर चुकी है और उन्हें झील से निकालने का काम लगातार जारी है। वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट मरी हुई मछलियों को बाहर निकालने का काम प्रतिदिन कर रही है और उन्हें सुरक्षित स्थान पर दफना रही है, क्योंकि खुले में फेंकने से प्रदूषण और महामारी फैलने का खतरा है। वहीं फिशरीज डिपार्टमेंट के उच्च अधिकारियों ने बताया कि बारिश के दौरान ओले खाने से उनकी मौत हुई है। जम्मू कश्मीर में पहाड़ी समुदाय को 10% अनुसूचित जनजाति संवर्ग में आरक्षण मिलेगा। पहली बार पहाड़ी समुदाय को ST संवर्ग में रखने का बिल पास किया गया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बताया कि पहाड़ी समुदाय की 12 लाख की आबादी को नौकरी शिक्षा के साथ ही अब राजनीतिक आरक्षण भी मिलेगा। इन लोगों का भी विकास ट्राइबल प्लान के तहत होगा, लेकिन इससे पहले से अनुसूचित जनजाति में शामिल गुज्जर बकरवाल समुदाय के आरक्षण पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। गुज्जर बकरवाल को पहले की ही तरह 10% आरक्षण का लाभ मिलता रहेगा, उनके हक का 1% हिस्सा भी नहीं कटेगा। केंद्र सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और पीवी नरसिम्हा राव को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने का ऐलान किया। वहीं वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को भी भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर इसका ऐलान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक के बाद एक 3 ट्वीट करके तीनों हस्तियों के बारे में लिखते हुए उन्हें ये सम्मान देने की घोषणा की। इससे पहले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर और देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को भी भारत रत्न देने का ऐलान किया था। किश्तवाड़ जिले में बालिकाओं को सशक्त बनाने के एक समर्पित प्रयास में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया। जब किश्तवाड़ के DC डॉक्टर देवांश यादव ने विशेष रूप से आत्मरक्षा और मार्शल आर्ट्स पर 1 महीने के प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। खासकर ताइक्वांडो 14 से 18 वर्ष की आयु की लड़कियों के लिए खान पान का भी आयोजन किया गया।
ये कार्यक्रम सीआरपीएफ की 92 हेडक्वार्टर्स किश्तवाड़ के स्पोर्ट्स क्लब में आयोजित किया गया। उद्घाटन समारोह में छात्राओं ने सांस्कृतिक और ताइक्वांडो का प्रदर्शन किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य बालिकाओं को समग्र रूप से सशक्त बनाना है।